इज लेसन वन। ओके तो इसमें क्या है, मोर अबाउट माई सेल्फ, मेरे बारे में बहुत कुछ। तो इस जगह पर जो है आपको क्या करना है कि दिस इज़ मी एज अ बेबी, यानी कि ये मैं हूँ बच्चे की तरह। तो तुमको आपको एक छोटे की फ़ोटो यहाँ पर लगानी है और दिस इज़ हाउ आई लुक नाउ, और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। तो आपको एक फ़ोटो अभी की लगानी है, तो इस जगह पर एक फ़ोटो छोटे की और इस जगह पर एक फ़ोटो अभी की, ठीक है। अब फेवरेट एंड हॉबीज़, तो क्या करते हैं कि फेवरेट थिंग्स आर द थिंग्स दैट वी लाइक मोर देन अदर थिंग्स। तो फेवरेट थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं दूसरों से, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा उन चीज़ों को चाहते हैं या उन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो अब माई फेवरेट, तो आपका फेवरेट फ्रूट यहाँ पर भरना है, जैसे कि मेरा फेवरेट फ्रूट है, मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल, मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल। तो आपको आपका जो कुछ भी हो वो भरिए, मेरा फेवरेट कलर है वाइट, आपका जो हो वो भरिए। मेरा फेवरेट कार्टून तो मैं देखता ही नहीं हूँ पर आप देखते होंगे, तो आपका जो फेवरेट कार्टून है वो भरिए। डिश फेवरेट भरिए, फेस्टिवल फेवरेट, लेकिन फिर भी मैं भर देता हूँ, जैसे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ठीक है। फेवरेट कार्टून है पॉकीमॉन, फेवरेट डिश है सुशी, फेवरेट फेस्टिवल है होली, मेरा फेवरेट टीचर कुछ भी है कोई नहीं है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि आपका जो भी सब्जेक्ट वो भरना है आपको यहाँ पर, जो आपकी फेवरेट ड्रेस हो वो भरना है, जो आपका फेवरेट टॉय हो वो भरना है, जो आपका फेवरेट डे हो वो भरना है, जैसे वेंसडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी हो। तो ये आपके लिए इतना आपको करना होमवर्क के घर के लिए है, और ये मैंने आपको भर के बता ही दिया किस तरह भरना है, ठीक है। अब पलटते हैं पेज और यहाँ पर आते हैं। तो हॉबीज़ आर द एक्टिविटीज़ वी डू इन आर फ्री टाइम फॉर प्लेजर, और हॉबीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करते हैं अपने फ्री टाइम में प्लेजर के लिए, प्लेजर यानी कि खुशी के लिए। सो व्हाट इज़ योर हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबी हो जैसे क्रिकेट खेलना, टीवी देखना है, जो बुक्स पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, कोई भी हॉबी हो वो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रोथ, तो द चेंज इन आर शेप एंड साइज इज़ ड्यू टू ग्रोथ, हमारी शेप और साइज में बदलाव समय के साथ आता है और जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी जीवित चीज़ें बढ़ती हैं या ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये सीड है, ये बीज है, बीज से सीडिंग हुई, सीडिंग से प्लांट बन गया, बच्चा, बच्चे से चाइल्ड, इन्फेंट, इन्फेंट यानी कि बहुत छोटा बच्चा, फिर चाइल्ड, फिर यंग और फिर ओल्ड, किटन, कैट, पपी और डॉग। तो किटन से बनता है कैट और पपी से बनते हैं डॉग। सो नाउ हियर वी आर, सो वी आर बॉर्न विदाउट टीथ, हम बिना दांतों के पैदा होते हैं। स्लोली आर मिल्क टीथ अपीयर, पहले हमारे दूध वाले दांत आते हैं। व्हेन दे फॉल, जब वो गिर जाते हैं, वी हैव आर परमानेंट टीथ, फिर उसके बाद हमारे परमानेंट दांत आते हैं। व्हेन वी ग्रो, आर ड्रेस डू नॉट फिट अस, जब हम बढ़ते हैं तो हमारी ड्रेस हमारे ऊपर फिट नहीं होती है। वी ऑल्सो नीड बिगर शूज आफ्टर वी ग्रो, हमें और ज़्यादा बड़े शूज चाहिए होते हैं जब हम, जब देखा है पैर छोटे, कभी कभी जूते छोटे पड़ जाते हैं तो फिर नए जूते लेने पड़ते हैं, वो होता है ग्रोथ की वजह से, ठीक है। आर लुक्स चेंजेस विद एज, हमारी लुक्स बदलते रहते हैं एज के साथ। देयर इज़ अ चेंज इन आर इंटरेस्ट, और हमारे चेंज में भी, इंटरेस्ट में भी चेंज होता रहता है। और अपनी टेक अ ब्रेक, इन सर्किल द एक्टिविटीज़ दैट यू लाइक टू डू, इन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सब में दो, जितनी एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं उन सब में सर्किल कर दीजिए जो कि आपको करनी अच्छी लगती है, ठीक है। Now, this is the chapter 1, this is over and I'll think, I'll complete exercise tomorrow, okay? So, thank you.